काफी रिस्की वाली जगह पे आए, मतलब खतरनाक जंगल है, मतलब है वो फोन का बटन। दोस्तों आप देख सकते हैं, दीपू भाई क्या कर रहे हो अंदर, ठंड हो गया दोस्तों। कैंपिंग में मेहनत तो बहुत है, शूटिंग करते करते सुबह हो जा रही है हमें। दोस्तों बहुत खतरनाक जंगल है ये। अरे नहीं टूटेगा यार, अभी अभी तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई कैंपिंग ब्लॉग में। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी अपनी कैंपिंग साइट में, और आप देख सकते हो अभी हम अपनी रोड में आ चुके हैं जहां पर हम करने वाले हैं ग्रुप कैंपिंग। ग्रुप कैंपिंग में हमारे साथ दो भाई लोग हैं, एक दीपक दीपक हो गया और एक हो गया मुन्ना। तो आप जा रहे हैं हम कोई अच्छी लोकेशन में, हमने लोकेशन पहले से सेलेक्ट किया है दोस्तों। तो फटाफट निकलते हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 5:30 हो गया दोस्तों। फटाफट निकलते हैं कैंपिंग साइट में, मिलते हैं आपको आगे, बने रहो ब्लॉग में, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। चलो फिर चलो जल्दी चलो। और हमारे मुन्ना लोग सब गाड़ी हो गए रेडी, चलो बैठते हैं, सामान सुनने बहुत है यार भाई हमारे पास, देख लो तुम। तो करते हैं दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों हम आ गए अभी अपने किराने की दुकान पे, यहाँ पर शुभम भाई की सारा कुछ रखता है सामान सामान। सुबह एक 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 चाय का पैकेट दे दो, चीनी दे दो, और ये हमारे रघुदा है, हमारे गांव के रघुदा। हैप्पी होली। और बढ़िया बढ़िया ठीक है शुभम भाई, हैप्पी होली ब्रो। हमारे भाई लोग आए, इनको लाइक शेयर एंड सपोर्ट। ठीक है, और ये दीपो है, दीपो हैप्पी होली भाई। सेम टू भाई। और बढ़िया बढ़िया ठीक है। तो दोस्तों ये इनकी दुकान है, काफी अच्छी, सारा कुछ मिलता है यहाँ पे। शुभम हाँ इधर सर चाय कर दे, चीनी दे दे। तो दोस्तों हम अपनी कैंपिंग लोकेशन में पहुंच गए, और हम यार थोड़ी सी ना माफी चाहते हैं आपसे, क्योंकि हम आपको थोड़ी कैंपिंग लोकेशन नहीं दिखा पाए क्योंकि हम लेट हो चुके हैं यहाँ पे। और काफी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, बहुत बड़ा जंगल है, आपको सुबह मॉर्निंग में दिखाई, हवा इतनी सारी है ना यहाँ पे, डर लग रहा है कि बीच में बहुत ठंड है ना। और ये हमारे दीपक, ये दीपक भाई जो आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, और ये हमारा मनोज भाई, ये मुन्ना भाई, फर्स्ट कैंपिंग है इनकी, दूसरी कैंपिंग है। तो मनोज भाई आज हमारे साथ नाइट कैंपिंग करने वाले हैं, दीपक भाई तो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया इन्होंने। तो दोस्तों फटाफट ना पहले यहाँ पर टेंट पिच करते हैं, क्योंकि यार बहुत समय भी हो गया, अंधेरा हो चुका पूरा, आप देख रहे हो। फटाफट टेंट पिच करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आपको आगे, फिर मिलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो, आप जज कर सकते हो कि यहाँ पर कितनी हवा होगी, बहुत ज्यादा हवा है दोस्तों यहाँ पे। तो हम चार बंदे हैं यहाँ पे, और हम पे स्लीपिंग बैग सिर्फ दो हैं, दो और आज शाम को ठंडा हो रहा है। ये देखो भाई साहब कितना तगड़ा है, हमारे नीचे बबल हो गया पूरा, इतनी तेज हवा चली है दोस्तों, और ऊपर पेड़ जो है ना ऐसे हिलने, मतलब ऐसा लगा कि हम गलत जगह, हमने कहीं टेंट पिच ना कर दियो भाई। हाँ भाई देखो पेड़ देखो भाई साहब कितने तगड़े हिल। तो दोस्तों टेंट पिच हो गया हमारा, और बहुत हवा थी यार टेंट पिच करने में, बहुत ज्यादा है बहुत हवा। ये हमारे दीपक भाई कल इनको जो पहले कैंपिंग में बताया कि ठंड, तो आज ये थोड़ा सा बन ठन के आ रखे, मतलब की पहाड़ में सर्दी है तो ये अपनी जैकेट फुल लेके आ रखे, प्रोडक्शन में आ रखे पूरी, और ये सॉल तो पहले भी लाए थे। और बाकी हवा चल रही है अभी, फिर भी बहुत हवा है यहाँ पर। और आपको बताया कि यहाँ पे ना चीड़ के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, और जो घूम रहे हैं गोल गोल
पता लगेगा अगर अभी अभी अगर गिरता है तो ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन अगर रात को गिरता है हमारे सोए हुए में फिर दिक्कत रहेगी काफी, फिर दिक्कत रहेगी। पता है काफी रिस्की वाली जगह पे आए, मतलब खतरनाक जंगल है, मतलब जहाँ पे जिस जंगल हम आए यहाँ पे काफी खतरनाक खतरा है जानवरों का, पूरा कॉर्बेट से मिला हुआ जंगल है ये। तो हम आपको जंगल तो सुबह ही दिखा पाएंगे। और अभी तो दोस्तों अभी करते हैं लकड़ी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आग आग भी लगी है जंगल में ना, तो लकड़ी की भी दिक्कत रहने वाली है, तो चलते हैं फिर लकड़ी लेने। चलो मिलती है लकड़ी, चलो तो दोस्तों हम चल रहे हैं अभी लकड़ी ढूंढने। और जो आप देख सकते हो जंगल ना पूरा जल चुका है, यहाँ पर लकड़ियां मिलना बहुत मुश्किल है यार। और ये जंगल बहुत चलो भाई एडवेंचर जंगल है पूरा, ज्यादा दूर मत जाओ यार, नजदीक में रहो भाई, दूर दूर मत जाओ, पास पास में रहो सारे, एक बंदा मेरे पीछे भी रहो यार। प्रोडक्शन चाहिए पीछे से भी। दोस्तों बहुत खतरनाक जंगल है ये, कोई कैसा आवाज है मेरे से डर गया यार, मेरे घर किसने करी। दोस्तों आप देखो अभी क्या कहते हैं, ये पेड़ टूटते हैं ना सारे, इसके टहने सारे गायब हो गए, सब काट दिए लोगों, ले गए यहाँ से, ले गए आए होंगे इधर भाई, इतना मोटा कट जाएगा इससे। अरे नहीं टूटेगा यार, अभी अभी तो बहुत है वो भाई मजबूत, ये ना थोड़ा सा वो है कच्चा पक्का। अरे भाई उधर मत जाओ यार, अकेले लम्बा काट लूंगा जरा, यहाँ नहीं चलेगा पता भाई, लगा था ये तभी तो एक ऐसी एक और काट से। तो दोस्तों लकड़ियां तो ज्यादा मिल नहीं पा रही जंगल में, बहुत मुश्किल से इसी पेड़ से काटी हमने थोड़ी बहुत, और अब देखो फिर इनसे फिलहाल तो हो ही जाएगा गुजारा, लेकिन लानी तो और पड़ेंगी, इनको लेके चलते हैं फिलहाल टेंट पे, टेंट भी बहुत ऊपर है हमारा। चलो भाई लोगो, चलो भाई सब चलो चलो, लकड़ियां भाई लानी पड़ेंगी, ऐसे कुछ नहीं पड़ेगा यार सच्ची। तो दोस्तों हमने जला दिया आग, और आग आप देख रहे हो हमने एक नीचे ना गड्ढा से, यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा हवा है यहाँ पे, पहले हम सोचते थे कि यहाँ पे गड्ढा बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से हवा चल रही ना तो आग की लपटें ना हमारे टेंट में भी जा सकती है, तो हमने कहा कि ना जो गड्ढा बना है इसी में आग जलाएंगे। आग काफी हवा भी चल रही है ना, बहुत हवा है, अभी ना चाय बनाते हैं फर्स्ट क्लास वाली, क्योंकि बहुत थक गए यार, ठंडा बहुत ज्यादा हो गया भाई, ठंडा हो रहा है यार, और पेड़ ऐसे हिल रहे हैं जैसे पहननी पड़ेगी रात को, ठंडा ऊनी गर्म है, ऊनी वाली है ना, हाँ वो जंगल है ना पूरा बीच में, बहुत खतरनाक चीड़ के पेड़ है ना जाते हैं यहाँ पे, ऐसे लग रहे हैं जब हवा चल रही जैसे गिर जाएंगे। हाँ यार आग इतनी बड़ा चल रही ना भाई, राहत मिल गई अभी ठंडे से यार। दराती का दोस्तों, दराती का हमारा भेकुन भी टूट गया, जिसके हमने वो लगाया था ना भेकुन हैंडल जो था वो उसका टूट गया, निकल गया, हाँ अभी छोटा सा रह गया है फिर से। आज कोई नहीं, फिर बनाएंगे, बना तो देंगे, लेकिन आज इतने बड़े जंगल में हमें थोड़ा हथियार सही चाहिए था ना, छोटा हो गया अभी, और कहने में हथियार हमारे भी यही है, यही है बस, और दूसरे अगर हमें चाहिए तो आग प्रॉपर चाहिए सही तरीके, ऐसी हमको ना दो चार लग रहे, अगर ऐसी मोटी मोटी और मिल जाती ना, मिली नहीं रही है, पूरा ढूंढ लिया इतना बड़ा जंगल ढूंढ के आगे, क्या वो फोन का बटन। दोस्तों हवा इतनी ज्यादा है ना यहाँ पे, बहुत ज्यादा, और हमारा ना स्टैंड का है जिसमें हम अपना फोन रखते हैं वो भी टूट चुका है, बड़ी मुश्किल से अभी रबड़ लगा रखा है इसमें, जो स्टैंड में मोबाइल में जो फोन में जो फंसता है ना स्टैंड, उसका जो जहाँ फोन लगता है वो टूट चुका है, हवा इतनी तेज चली है वो एकदम से स्टैंड नीचे गिरा, जिस वक्त स्टैंड से गिरा उस वक्त ऐसा लगे कुछ आ गया, बाद में पता लगे फोन गिरा है, फोन गिरा, अच्छा फोन को कुछ और कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ यार वो तो चलो मिल जाता है ना, वो तो मिल जाएगा खैर, लेकिन अब दिक्कत हो गई यार, कुछ पता नहीं, अब शूटिंग करने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी मुश्किल से शूटिंग हो पाएगी आज। अब लो गिलास भी आजकल ऐसे मिल लेना थर्माकोल के, बिल्कुल टूट जा रहा है, पता लग रहा है, अरे बाबा धुआं, भाई साहब इतनी तेज हवा है, ठंड से हालत खराब हो गया।
दोस्तों आप गैस नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये मार्च का महीना चल रहा हुआ है और इतनी ठंड है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा ठंड से हालत खराब हो गई है। मैं तो आज टोपी भी लाया, मेरे को पता नहीं था कि इतनी ठंड होगी। आपने हमारे पीछे दीपू को देखा ना, वो टेंट के अंदर ही है, कह रहा है भाई बहुत ठंड है, मतलब अंदर ही बैठूंगा फिलहाल। दोस्तों हमारे चावल तो बन चुके हैं, आज हम बनाने वाले हैं चावल और चिकन करी। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, इसमें ना चिकन डालते हैं। अरे ठंडा मुन्ना, अब कानों में हवा तन जा रही है। दीपू भाई क्या कर रहे हो अंदर, ठंड हो गया? आ जाओ बाहर, आ जाओ आग सेको थोड़ा, बहुत ज्यादा हवा चल रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि कहीं पेड़ ना टूट जाए यार, पेड़ों की दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, वही डर ज्यादा है। और दीपू भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ठंडा तो नहीं हो रहा? ठंडा नहीं हो रहा भाई, अभी लग रही थी पहले, सड़ रहा है काफी गर्म है। जिस हिसाब से अभी बीच में ठंड बढ़ गई है ना दोस्तों, उस हिसाब से ना सच्ची में यार मोटी मोटी जैकेट जो सब हमने बेड में डाल दी ना सभी लोगों ने, वो फिर निकल गए हैं। यार ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी, आप पहले करते खाना खा। हाँ चलो दोस्तों, हवा इतनी चल रही ना, सारी प्लेट उड़ जा रही है भाई, पकड़ो इनको। तुम उधर ही खा रहे हो क्या आग के वहां पे? कैसे हो रखा है मुन्ना भाई, दीपू भाई कैसे हो रखा है, मजा आ गया? तो दोस्तों खाना खा लिया हमने और अब करते सोने की तैयारी। सोने की तैयारी के अब तो 12 बज चुके हैं दोस्तों, रात के 12 बज गए हैं और जिस हिसाब से हमको यहाँ पर लेट हो चुकी थी, लकड़ियां ना मिली, बहुत समय लगा हमको, जैसे सोते हैं अभी। और दीपू को देख रहा हूँ अभी लगा है स्लीपिंग बैग में, कह रहा है स्लीपिंग बैग में सोता हूँ आज, इसके मजे लूंगा क्योंकि बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर। दोस्तों बहुत ठंड है सच में यार, बहुत ठंड हो चुकी है अभी मार्च में भी, और तो अभी सोते हैं हम भी। ये तो बहुत ठंडा हुआ यार, मैं भी चलता हूँ अंदर ही। आप सभी लोगों को गुड नाइट, आप सभी को मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत धूप आ गई है पूरी, उठो रे लौंडो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जंगल तो बहुत बड़ा है ये। वहां आगे देखो, वहां आगे लोमड़ी अभी। हाँ ओरे ओरे ओरे, शाओ दी शाओ है कि रे शाओ, अरे शाओ है कि ब्याओ। लो भैया लाओ जी,
तो दीपक भाई आपको कैसा लगा आज सेकंड टाइम हमारे कैंपिंग में आया, तो यहाँ का माहौल, यहाँ का जंगल और आपको कैसा लगा? और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ, काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और सब बढ़िया? नहीं नहीं, और तो बढ़िया है। और कैसे फील कर रहे हो तुम यहाँ पे? और ना फील तो बढ़िया बढ़िया। ये जंगल जो तुम अभी सुबह तुम देख रहे हो ना, जो जंगल ये हमने पहले सेलेक्ट बहुत पहले देखी थी, हमने कहा कि कभी ग्रुप में चलेंगे वहाँ पे, तो तुम्हें अभी देख रहे हो कितना बड़ा जंगल है यहाँ पे। रात को तो हम लेट आए ना दोस्तों, कैंपिंग में मेहनत तो बहुत है, बहुत ज्यादा। शूटिंग करते करते सुबह हो जा रही है हमें। दोस्तों इतनी ठंड है, और ये है हमारे मुन्ना भाई। मुन्ना भाई से इंट्रो करा देता हूँ। तो भाई ये मनोज भाई की इनकी फर्स्ट कैंपिंग है, इनसे पूछते हैं तुम्हारा कैसा रहा नाइट में, कैसा एक्सपीरियंस था रात को? तो मनोज भाई, रात को तो वैसे ठंड भी है, बाकी बहुत मेहनत है इस चीज में, मतलब आसान नहीं है ये चीज करना हर किसी से। और ये तुम हमारे ब्लॉग देख रहे हो, तुम कह रहे हो यार नॉर्मली है, मतलब नहीं नहीं नॉर्मल नहीं यार, बहुत मेहनत लगती है। लकड़ी लाना है, आग जलानी है, खाना बनाना है, बहुत चीजें हैं, टेंटिंग करनी, फिर टेंट भी लगाना है, रात को जानवर का भी खतरा है। अभी तो हम बहुत दूर आ रखे हैं जंगल में, ये जंगल भी बहुत बड़ा है। बाकी भाई लोगों को सपोर्ट करो, लाइक और सब्सक्राइब, आपका सपोर्ट रहेगा तब ये आगे बढ़ेंगे। तो चलो थोड़ा सा चलते हैं इसमें आगे देख के। तो दोस्तों दीपक भाई और मुन्ना भाई ने अपने बात बता दी कि इनको कैसा फील हुआ, क्या हुआ करके। तो वो करते हैं कि काफी अच्छा लगा इन लोगों को, और ये आते रहे हमारे कैंपिंग में, तो आपको दिखाते हैं जंगल की सैर कराते हैं। तो दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा ना जंगल दिखाता हूँ कि कितना बड़ा जंगल है, और आप देख सकते हो जहां जहां तक आप देख पा रहे हो सारे चीड़ के पेड़ है, और बहुत ज्यादा चीड़ के पेड़ है। आप देख रहे हो आप कितने लंबे चौड़े पेड़ है यार, ये देखिए आप। मतलब हमारे नाइट भी काफी अच्छी कटी, हम ग्रुप में थे और काफी अच्छा भी लगा हमको यहाँ पर। और आप लोगों को कैसा लग रहा हमारा ब्लॉग? यहो यहो, जो पहाड़ से मनार की है, क्या इसका मतलब? मनोज भाई बताएंगे। अरे यहाँ पे ना देखो पहाड़ में क्या होता है कि लोगों की श्रद्धा रहती है, तो यहाँ पे कुछ पहले से ही एक रिवाज टाइप का है कि मतलब यहाँ पत्थर या कुछ लकड़ियाँ, और तो इस हिसाब से ना यहाँ पे आप देखो पूरे जंगल में, इतने बड़े जंगल में पत्थर कितने इकट्ठे हैं यहाँ पे। तो लोगों ने मतलब अपने कुछ श्रद्धा, मतलब कुछ होगा यहाँ पे तो वो चीज पत्थर हो गए, लकड़ी हो गई, और ठीठा हो गया, आप यहाँ पे डाल के आराम से अपने निकल सकते हो। चलते हैं इसमें आगे, और बुरा से फूल काफी अच्छे हो रहे हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। वाओ भाई कितने बुरा से फूल है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत सारे बिखरे हुए हैं यहाँ नीचे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बुरास का फूल है, उसके फूल कितने नीचे सारे बिखर रखे हैं, सारे बिखर रखे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने फूल चढ़ाए होंगे ऐसे। हाँ पूरे फूल ही फूल है, कितना प्यारा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है देखने में। और आप देख सकते हैं इसका पेड़ ये रहा, वाह। इसका ना पेड़ दोस्तों कच्चा होता है, इसमें ना एकदम से हमारा इसकी टहनियां टूट जाती है जल्दी से। और ये इस फूल का क्या होता है बताइए जरा आप? ये काफी अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया दोस्तों। इसका बनता है ये बुरास का ना, इसका निकलता है जूस, ये बोलते हैं बुरास का पूरा। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि गुलदस्ता टाइप का लग रहा है। एक ही फूल है इसका, बहुत ज्यादा जूस बनता है, और काफी अच्छा भी होता है सेहत के लिए। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यार, मजा आ गया, मतलब ना मजा आ रहा है काफी। जंगल में हमें यहाँ पर इतने बड़े जंगल में यहाँ पर दो पेड़ हैं बुरास के, और होंगे तो उस साइड जंगल में होंगे। और इस जंगल की खूबसूरती आप देख सकते हैं, बयां नहीं कर सकते कि इतना प्यारा खूबसूरत जंगल है। आओ इसमें चलते हैं जरा ऊपर, चलो। तो दोस्तों अभी हम पूरे जंगल में घूम रहे हैं, और जो हमारे साथ आ रखे मनोज और दीपक, इनको काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। अभी फिर नीचे निकल गए, हमारे कह रहे हैं कि काफी अच्छी लोकेशन में लाए हो, तो इनका दिल खुश हो गया यहाँ पे। हाँ दिल गार्डन गार्डन हो गया इनका, अब मजा ले रहा है, क्योंकि अभी दो तीन दिन के बाद इनको भी निकलना है अपने बाहर को, तो फिर इनको याद रहेंगी आगे, तो कह रहे हैं कि चलो एंजॉय कर लेते हैं, साइड में देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कैंप कहाँ लगा हुआ है, वो उतनी दूर दूर दिख रहा है सामने, वहाँ पे दिख रहा है, और हम इतनी दूरी पे है अभी। आपको जूम करके दिखाते हैं,
यहाँ पे है दोस्तों हमारा कैंप, देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इतनी दूरी पे हमारा कैंप और हम इतनी दूरी पे आए हैं और इतना खूबसूरत नजारा है। और वो दोस्त लोग, अरे आ जाओ भैया। तो दोस्तों जिस जंगल में हम आज अपनी कैंपिंग में आए हैं, ये है तिताली खेत के बैक साइड में और ये काफी अच्छी जो लोकेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे काफी अच्छी लोकेशन है, काफी मजा आ रहा है। मतलब आप लोग कभी आना चाहें तो हम बता रहे हैं कि ये तिताली खेत का जंगल है। तो तिताली खेत के नीचे यहाँ पे, तिताली खेत के साइड में जो है वहाँ पे कॉटेज बन रहे हैं, तो उसके जस्ट ऊपर टॉप में है ये, और यहाँ पे काफी अच्छी लोकेशन है, कभी भी कैंपिंग करने आ सकते हैं आप लोग भी। तो लोग भी अभी आ गए, अभी घूम के आ गए, इनको काफी अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ तक घुमाए? दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, जो चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कैंपिंग ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जरूर। और जो दोस्तों अभी यहाँ पे हमने जो कैंपिंग करी, यहाँ पे जितना भी गंदगी थी वो हमने सारा अपना उठा लिया और अपना सामान सारा पैक कर दिया हमने, और अब हम भी निकले घर की तरफ। काफी भारी भी हो रहा है बैग। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपके नए कैंपिंग ब्लॉग में, तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, चलो हर महादेव। Hey!